गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय सेकंड लेक्चर. माय नेम इज़ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन विश्वविद्यालय. टुडे माय लेक्चर इज बेसिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. और बेसिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मनोविज्ञान अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, मनोविज्ञान की आवश्यकताएं कौन कौन सी है और मनोविज्ञान कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य करता है. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ उसके जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसमें पहला उद्देश्य है हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को किस तरीके से समझ सकेंगे, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा. मनोविज्ञान की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है. इसकी सहायता से किसी व्यक्ति विशेष तथा समूह विशेष के व्यवहार का अध्ययन उसके अपने पर्यावरण तथा परिस्थिति के संदर्भ में भली भांति कर सकते हैं. यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर मनोविज्ञान किस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, किस तरीके से व्यक्ति के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करता है और किस तरीके से समूह में रहने वाले चाहे वो व्यक्ति हो चाहे पशु पक्षी हो उनके व्यवहार का अध्ययन करता है, ये व्यक्ति किस परिस्थिति में रहता है, व्यक्ति किस पर्यावरण में रहता है, ये उस पर डिपेंड करता है. तो मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान किस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे. इसके अध्ययन का क्षेत्र तथा उसकी सीमाएं भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे. और जिसका परिचय इस अध्याय से पहले जो मेरा पहला लेक्चर था इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं इसको भी मैंने डिफाइन कर दिया था. और आगे अगर हम बात करें कि किस तरीके से मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस का जब हम अध्ययन करते हैं और उन ब्रांचेसों के अध्ययन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के साथ साथ जो हमें अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव के आधार पर जो आने वाले ज्ञान होता है, उस आने वाले ज्ञान में हम उसकी उपयोगिता को, उसकी महत्ता को हम प्रयोग में लाते हैं और उससे हम आगे क्या करते हैं, कार्य करते हैं. आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के नियमों को या मनोविज्ञान के व्यवहारों का हम अध्ययन नहीं करते हैं. और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाता है जिसमें मनोविज्ञान की उपयोगिता को महत्व ना दिया जाता हो. तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान बहुत ही विशाल क्षेत्र में कार्य कर रहा है. उसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं, गाइडेंस काउंसलिंग के क्षेत्र में करते हैं. तो मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. आगे अगर मैं बात करूं कि जीवन का जो संपूर्ण अभिव्यक्ति है, हम सभी प्रकार के व्यवहारों द्वारा हम उसके उपयोगिता को महत्व देते हैं. और इस प्रकार अगर हम बात करें कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहारों पर आधारित होता है. इसलिए इस जीवन को अच्छी तरह से जानने की जो कुंजी होती है और व्यक्ति जो छोटे छोटे व्यवहार करता है, उनके व्यवहार करने की जो क्रियाएं होती है वो व्यक्ति के पर्यावरण पर निहित होती है. और इस प्रकार व्यवहार क्रियाओं को ठीक तरह से समझने, उन्हें उचित दिशा देने और गति प्रदान करने का जो कार्य करती है उसी को हम मनोविज्ञान द्वारा संपादित किया जाता है. और यही कारण है कि आज हम जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी जगह मनोविज्ञान की जो संभावनाएं हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं व्यक्ति को गाइडेंस करने का कार्य करती है. मनोविज्ञान की इस उपयोगिता और उपादेयता के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पंक्तिबद्ध रूप से यानी क्रमबद्ध तरीके से क्या करता है, गाइडेंस करने का काम करता है. निरंतर मनोविज्ञान अपने क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है. पहला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता. अगर मैं
बात करूं एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, किस तरीके से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि एक जो शिक्षार्थी होता है, एक जो बालक होता है, बालक के सर्वांगीण विकास को विकसित करने का जो काम है वो मनोविज्ञान करता है, और इसके साथ साथ उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी कि एक जो शिक्षार्थी होता है, एक जो बालक होता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन तो करना ही है, साथ में व्यवहार के अध्ययन करने के साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, कौन कौन से परिवर्तन होना चाहिए उसके व्यवहार में, ये भी अध्ययन करता है मनोविज्ञान। इसके साथ ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब विद्यार्थी के व्यवहार के स्तर की जब हम जांच कर लेते हैं, उसकी व्यक्तित्व के बारे में जब हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है वो किस स्तर का है, किस लेवल का है, और उसके विकास में, यानी कि उसके विकास में कौन कौन से, यानी कि पर्यावरण क्या उसमें इफेक्ट डाल रहा है, वंशानुक्रम उसमें क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो जब हम इन सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं, और पता करने के बाद जब हम उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए जब हम उसमें सुझाव देते हैं, उसको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये ही शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है। बालक को कैसे हमें सिखाना है और किस तरीके से हमें बालक को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ भी शिक्षा ही करती है, शिक्षा के माध्यम से ही ये चीज़ हम कर पाते हैं। यानी कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं तथा अनुभव कराया जाए जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन तथा व्यक्तित्व के विकास में सार्थक ढंग से व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए मनोविज्ञान कहीं ना कहीं शिक्षक की जो भूमिका होती है वो इसमें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही व्यक्ति के व्यवहार का, यानी कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद उसे कौन कौन से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने चाहिए और परिवर्तन किस तरीके से करना है, ये चीज़ जब हम बालक को बताते हैं तो बालक उसमें 100% उसमें कार्य करता है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। दूसरा पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भी काम करता है, और कहीं ना कहीं उसकी ये उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मनोविज्ञान के उपयोग का दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो गाइडेंस काउंसलिंग ही है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यापार निर्देशन एवं परामर्श की जो सेवाएँ प्रदान करता है ये मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि जिंदगी के ऐसे अनेक मोड़ आते हैं तथा ऐसे अनेक क्षेत्र होते हैं जहां व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे वांछित तथा उपयुक्त मार्गदर्शन एवं परामर्श अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, और वो मार्गदर्शन यानी कि परामर्श कहां से प्राप्त होगा ये निश्चित होता है कि ये वो कहां से प्राप्त करे, ये उसे समझने की जरूरत होती है। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि पहले और बाद की जो अवस्था होती है उसमें भी किसी ना किसी रूप में व्यक्ति निर्देशन एवं परामर्श संबंधी आवश्यकता को क्या करता है, महसूस करता है। इस प्रकार शैक्षिक व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन व्यक्ति को मनोविज्ञान द्वारा ही क्या होता है, प्राप्त होता है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से ही उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व संबंधी जो योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनकी जो रुचियां होती हैं, व्यक्ति की जो अभिरुचि होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, यानी कि व्यक्ति के सीखने का लेवल क्या है, व्यक्ति किस स्तर तक सीख सकता है, व्यक्ति कौन से विषय में रुचि रखता है, और सीखने के लिए उसके अंदर वो अभिरुचि है कि नहीं है, इस चीज़ का हम पता मनोविज्ञान के माध्यम से लगाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं होती हैं, यानी कि ये व्यवहारगत जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का जब हम पता लगा लेते हैं, और पता लगाने के बाद
एक जो परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता मनोविज्ञान की तकनीक की माध्यम से, यानी कि मनोविज्ञान की तकनीकों के माध्यम से जब उस बालक को उपचार और समायोजन के लिए जब समायोजन के लिए जब अपने नियमों एवं सिद्धांतों का जब पालन करने के लिए जब उसे बताया जाता है और बालक जब उसे उसका पालन करने लगता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। औषधि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान ने अपने पैर अच्छी तरीके से जमा रखे हुए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो समस्याओं जो समाज की समस्याओं से घिरे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान उनकी हेल्प करता है। और कोई भी चिकित्सक जब तक चिकित्सा कार्य में सफल नहीं हो सकता, तब तक उस तब तक जिस मरीज का इलाज कर रहा है उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व से भलीभांति अवगत नहीं हो जाता। यानी कि अगर हम ये कहें कि मनोविज्ञान किस तरीके से एक चिकित्सक की हेल्प करता है, किस तरीके से उसकी सहायता करता है, यानी कि एक मरीज जिसे किसी प्रकार की समस्या है, जब वो चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसके व्यवहार के बारे में जब अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद जब उसे इस बात की भली भांति इस बात से जब वो अवगत हो जाता है कि उसे किस प्रकार की समस्या है और उसे उस समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है और उसके लिए उसे कौन कौन से उपचार करने चाहिए, किस तरीके से हमें उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरीके के व्यवहार में हमें उसे रखना चाहिए और किस तरीके से हमें उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, तो इस तरीके से जब एक चिकित्सक जब मनोविज्ञान की सहायता से उस व्यक्ति की हेल्प करता है, मदद करता है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन जो उसके जीवन में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की मदद से, यानी कि मनोविज्ञान की सहायता से ही हो पाता है। आगे बात करते हैं, यही कारण है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक कई क्षेत्रों में मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे व्यवहार चिकित्सा होता है जिसमें बिहेवियर थेरेपी दी जाती है और उसके माध्यम से एक मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक खेल चिकित्सा होती है जिसमें खेल खेल के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाता है। और एक योग चिकित्सा होता है जिसमें व्यक्ति को योग के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक जीवन में सुधार किया जाता है। और एक विद्युत आघात चिकित्सा होती है जिसमें व्यक्ति को कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें हम कुछ मशीनों के माध्यम से कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा होता है मनोविश्लेषण, यानी कि साइको एनालिसिस के माध्यम से भी एक जो चिकित्सा होता है उसमें सुधार किया जाता है। नेक्स्ट होता है सम्मोहन, यानी कि हाइपोनेसिस, जिसके माध्यम से भी एक चिकित्सा होता है, जो एक मरीज होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। और इस तरीके से मनोविज्ञान अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपनी विधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कार्य करता है। चौथा पॉइंट है व्यवहार एवं उद्योग के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार हम व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। और मनोविज्ञान आज की सापेक्ष में अगर देखा जाए तो आज मनोविज्ञान जो है वो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, क्योंकि व्यापार और उद्योग में भी हमें कई ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें व्यापार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जैसे विज्ञापन हमें करना है तो विज्ञापन किस तरीके से करना है, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम बोलते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है
वो क्वालिटी हमें क्या निर्धारित करनी है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि मार्केट की वैल्यू क्या है, मार्केट में किस तरीके से किस तरीके के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट की मांग चल रही है। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के माध्यम से एक जो ग्राहक होता है उसकी साइकोलॉजी को समझना होता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट की वो मांग कर रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट आज के सापेक्ष में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मनोविज्ञान क्या कर रहा है, मनोविज्ञान व्यापार और जो के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों के माध्यम से, नवीन अनुसंधान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में, व्यवहारों के माध्यम से प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उनको समझता है और समझने के बाद किस तरीके की कार्यशैली को अपनाना चाहिए, किस तरीके के हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और किस तरीके के प्रोडक्ट यूज करने से हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे और इस चीज़ की जानकारी प्रदान की जाती है। जिस तरीके से उपभोक्ता मनोविज्ञान की सहायता से ये समझा जाता है कि उपभोक्ता को किस प्रकार के व्यवहार की ज़रूरत है, किस प्रकार की उसे सामग्री की मांग कर रहा है वो, और उस सामग्री की उपलब्धता अभी मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को समझना मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और मनोविज्ञान कहीं ना कहीं व्यापारियों की, निर्माताओं की और उपभोक्ताओं की कहीं ना कहीं मनोविज्ञान इसमें सहायता करता है और इस सहायता से ही उनमें लाभ और हानि की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। पांचवा है कानून एवं अपराध के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो कानून एवं अपराध के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं काम करता है और काम करने के साथ साथ उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं, क्योंकि अपराध और अपराधियों की खोज करना, पहचान करना, अपराध के मूल कारणों को जानना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों को जानना, अपराधियों की पुनः अपराधी ना बनने के लिए कौन कौन से हमें उपयोग करना है, कौन कौन से हमें उस अपराधी को सहायता उपलब्ध कराना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम उस चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, जब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें बेहतर तरीके से प्राप्त होता है। तो समाजीकरण और जो व्यवस्थापन है, कहीं ना कहीं समाजीकरण यानी कि समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का क्या परिणाम निकल कर आ रहा है और उन परिणामों से क्या क्या हानियां हो रही हैं, समाज को क्या हानि हो रही है, देश को क्या हानि हो रही है और उस हानियों से हमें कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ों को हमें मनोविज्ञान के माध्यम से ही क्या होती है, जानकारी मिलती है और किस तरीके से हमें उसे निपटने का प्रयास करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपराधी से बातचीत करनी चाहिए, कैसे हमें उसे पकड़ना चाहिए, कैसे हमें उसे बातचीत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें, जब तक हम अपराधी से बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपराधी से मिलेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई भी जो अपराधी होता है वो जन्मजात नहीं होता है। अपराध जो किया जाता है या अपराध जो घटित होता है वो समाज से ही, समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके माध्यम से ही अपराध घटता है और बढ़ता है। यानी कि मनोविज्ञान ने ही इस सत्य को उजागर किया है कि जो अपराध होता है वो जातिगत, वंशागत यानी जन्मजात नहीं होता, बल्कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के वशीभूत ही अपराध करने को मजबूर होता है। इसलिए अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके उन हालातों का विश्लेषण करना चाहिए, उस अपराधी के बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस कारण से उसने अपराध किया है। इस दृष्टि से कानून का जो महज उद्देश्य होता है वो सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपराधी को सबक सिखाना और सबक सिखाने के साथ साथ कैसे हमें उसे अपराधी से एक आम नागरिक बनाना है, आम नागरिक में हमें उसे परिवर्तित करना है, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रत्येक अपराधी के साथ हमें कठोरता का, दमन का, क्रूरता का सहारा ना लेकर उसके साथ में सहानुभूति तथा सहयोग का रास्ता अपनाकर ही हमें क्या करना चाहिए, अपराधी के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपराधी दोबारा से
कोई जोखिम भरा अपराध या कोई बहुत बड़ा अपराध ना कर सके, और इस जो उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक जो व्यवहार उसके साथ में किया जा रहा है, और इसी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार से को जब वो बाल अपराधी देखता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो सुधरने का यानी पश्चाताप करने का मौका ढूंढता है और कहीं ना कहीं वो फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। छठवां जो हमारा पॉइंट है वो है राजनीति के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। आज मनोविज्ञान राजनीति के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के प्रत्येक जो विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी जो राजनीति को पढ़ता है, राजनीति को समझता है, राजनीति को जानता है, यानी कि राजनीति को व्यवहारिक रूप में कैसे काम में लाना है, कैसे हमें उसे समझना है, कैसे हमें उसे प्रयोग में लाना है, इस चीज कि जो उपयोगिता है वो मनोविज्ञान से ही निकल कर आती है। मनोविज्ञान ही उसे बताता है कि किस तरीके से हमें उसे अपने व्यवहार में लाना है, किस तरीके से अपने व्यवहार में उसे परिवर्तन करना है। क्योंकि राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं वो आम जनता के मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके मतों को जीतने का प्रयत्न करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में जब कोई राजनीतिक नेता जब जाता है तो किस तरीके के माहौल में किस तरीके से हमें उसे अपना बनाना है, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान से ही सीखने को मिलती हैं और ये सब जनमत पर आधारित होती हैं। किस तरीके से हमें जनमत को प्राप्त करना है, पूर्ण बहुमत तरीके से किस तरीके से हमें अपने जनमत को प्राप्त करना है, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि उस समय जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल है या अनुकूल है। ये उस समय डिपेंड करता है कि उस समय के एटमॉस्फेयर में किस तरीके का माहौल चल रहा है, और ये एक कुशल नेतृत्व करने वाले एक लीडर पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो लीडर किस तरीके से नेतृत्व कर रहा है जनता के बीच में, और उस जो नेतृत्व करता है वो किस तरीके के प्रचार कर रहा है, किस तरीके के सुझाव दे रहा है, किस तरीके से वादे कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है उस राजनेता के ऊपर। इस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक जो राजनेता होता है वो आम जनता के पास जब जाता है, आम जनता के व्यवहारों को समझता है, आम जनता की मांगों को समझता है और किस तरीके के व्यवहार को उनको ज़रूरत है, किस तरीके की मांग वहाँ पर की जा रही है, जब ये सारी चीज़ें उसके सामने आती है और वो उस सारी चीज़ों को जब समझने लगता है, समझ जाता है और जब उसका प्रयोग वो करता है, प्रयोग करने के बाद, क्योंकि एक जो जनमानस होता है वो कहीं ना कहीं भावनाओं पर, विचारों पर, इच्छाओं पर आधारित होता है, और उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं विचारों को और उन्हीं इच्छाओं को हमें क्या करना होता है, समझना होता है, अपना बनाना होता है, और जब हम उन इच्छाओं को, उन विचारों को, उन भावनाओं को जब हम अपना बनाकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित होती है। जब जनता प्रभावित होती है तो 100% हम ये कह सकते हैं कि जो जनमत होता है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होगा, यानी कि उस जनमत उसको जरूर मिलेगा। सातवां जो पॉइंट है वो सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। आज जो मनोविज्ञान है वो सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, क्योंकि आज हमें मिलिट्री साइंस के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान की उपयोगिता को समझने की जरूरत है और समझने के साथ साथ उसके उपयोग करने की भी जरूरत है। सैन्य विज्ञान के अध्ययन तथा प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों में मनोविज्ञान को क्या किया गया है, स्थान दिया गया है, मनोविज्ञान को शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया गया था। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मनोविज्ञान को सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में भी शामिल किया गया है कि किस तरीके से सैन्य यानी कि मिलिट्री के क्षेत्र में किस तरीके से हमें कौन कौन से प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण का माध्यम क्या होगा, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होगा, सैनिकों के साथ में हमें किस तरीके के व्यवहार करने हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थॉट्स होता है, मनोवैज्ञानिक एक फैक्ट होता है कि हमें अपने से
जो छोटे पद के कर्मचारी होते हैं उनके साथ में हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आप व्यवहार करेंगे परिणाम उसी तरीके का आपको मिलेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अभी हम बात करें मिलिट्री साइंस की, तो वहाँ पे भी हमें सैनिकों के साथ में बहुत पोलाइट तरीके से हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और जो सैनिक होते हैं, क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा करते हैं, दूर 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 दराज के क्षेत्रों में होते हैं और परिवार से काफ़ी दूर होते हैं, और जब परिवार से काफ़ी दूर होते हैं तो हमें उनके साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। और जब हम उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करेंगे और अच्छे से व्यवहार करने के साथ साथ हम उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सैनिकों तथा अवसरों के उचित चयन और योग्यता अनुसार कौन कौन से कार्यों को विभाजित किया जाए, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के जो अवसर होते हैं उनका हमें चयन किस तरीके से करना है, और चयन करने के साथ साथ उनमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और कार्य का विभाजन हमें कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान पर ही आधारित होती हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में ये सारी चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि अवसर अपने से छोटे कर्मचारियों के साथ में कैसा व्यवहार करता है और उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कार्यों का हमें विभाजन कैसा करना है, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान पर ही आधारित होती हैं। क्योंकि मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, और जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है तो व्यवहार के साथ साथ वह व्यक्ति के साथ में समायोजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी मनोविज्ञान से जोड़ा जाता है। और अगर वो समाज के साथ में, परिवार के साथ में समायोजन नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी होती है, और उसी मानसिक स्वास्थ्य को फिर हमें क्या करना होता है, उसके सुधारने की ज़रूरत होती है। और जब हम इस मानसिक स्वास्थ्य को हम पूरी तरीके से सही कर लेते हैं मनोविज्ञान के माध्यम से, जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ जब हम उसके उपचार को बेहतर तरीके से जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। और मनोविज्ञान ये भी बताता है कि किस तरीके से हमें कार्य करना है, किस परिवेश में हमें कौन किस तरीके का काम करना है, समाज के साथ में हमें कैसे काम करना है, देश के साथ में हमें कैसे काम करना है, परिवार के साथ में हमें कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान से ही क्या होती हैं, निकल कर आती हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि जब युद्ध के समय पे जब कोई सैनिक होता है या कोई अफसर होता है, जब उनके मनोबल को कमज़ोर होने लगता है तो कहीं ना कहीं उनका जो अधिकारी होता है वो उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, और मनोबल को बढ़ाने के प्रयत्न के लिए उसे समाज उसे किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, हमेशा सैनिकों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि हमें अपने क्षेत्रों में किस तरीके से बेहतर प्रयास करना है, और इस बेहतर प्रयास के लिए हमें क्या करना है, मनोविज्ञान की सहायता लेनी होती है। और आज अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है, अभी तक जितने भी क्षेत्रों में मैंने आपको बताया प्रत्येक क्षेत्रों में काम कर रहा है, और इस तरीके से मनोविज्ञान हमेशा व्यक्ति को अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। मनोविज्ञान की सहायता से हम व्यक्ति को बेहतर सुझाव दे सकते हैं, मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति को किस तरीके से अनुकरण करना चाहिए, किस तरीके से अपनी मेमोरी को और बेहतर तरीके से बनाना है, बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है, ये चीज़ भी बताया जाता है। किस तरीके से हमें व्यक्ति को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरणा व्यक्ति में प्रेरित करनी है, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान पर ही आधारित होती हैं। और मनोविज्ञान सामूहिक मनोविज्ञान पर भी आधारित होता है, यानी कि मनोविज्ञान इंडिविजुअल भी मनोविज्ञान में एक व्यक्ति को भी हम अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेट कर सकते हैं, समूह में भी हम व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, और व्यक्ति के व्यवहार में किस तरीके से परिमार्जन करना है, किस तरीके से मॉडिफाई करना है, ये चीज़ भी मनोविज्ञान पर आधारित होती है। और
ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं तक रहेगा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।